कितनी मुर्गियाँ होंगी यहाँ पर? 40 के करीब जो है यहाँ पर पीसेस पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारा जीटी रोड फूड टूर चल रहा है और ये हमारा पार्ट टू है। इससे पहले हम लोगों ने बड़े जबरदस्त किस्म के फूड पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लोर किए थे। जीटी रोड का पार्ट टू हम लेकर आए हैं जिसमें और मजीद हम लोग कुछ स्पेशल फूड पॉइंट्स जो है वो कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो में स्पेशल आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे हम लोग अपने साथ लेकर आए हैं रहमान भाई को। रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। ठीक है, कहाँ लेके आए हैं? सबसे पहला पॉइंट कौन सा है रहमान भाई? यार ये बाली शवारमा, शवारमा एक्सप्रेस, शवारमा एक्सप्रेस जीटी रोड के ऊपर शवारमा एक्सप्रेस है। ये आपको मिलेगा चीजियस के बिल्कुल साथ, ये चीजियस है वहाँ पे और इसके बिल्कुल साथ आपको यहाँ पर मिलेगा ये शवारमा एक्सप्रेस। बहुत पुराना पॉइंट है। कितना पुराना पॉइंट है ये? काफी, मैं इसे 3 साल पहले आया था, 3 साल पहले खा चुका है। हाँ। रहमान भाई कहते हैं कि भाई पहले किसी ज़माने में बहुत ही कमाल का टेस्ट होता था, एक अगर आप प्लेटर इनका शवारमा लेते थे तो 2 लोगों से ख़त्म नहीं होता था वो। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या शशके चल रहे हैं, किस तरह का प्लेटर है और क्या टेस्ट है इसका, टेस्ट मेंटेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, आए ज़रा। ओके जनाब, तो ये देखें ज़रा, यहाँ पर चिकन जो है वो ग्रिल होके रखा हुआ है, अब इसको जो है वो शवारमा के लिए रेडी करेंगे यहाँ पे। तो नहीं जनाब, ये कोई हैवी किस्म का अब शवारमा तैयार होने लगे हैं। ये शवारमे का चिकन तैयार कर रहे हैं पहले, इसको प्रॉपर जो है वो तवे पर तैयार करेंगे। ये ग्रिल करके इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद जनाब इसके छोटे छोटे पीसेस करके शवारमा के अंदर लगाया जाएगा। चेक करो तकरीबन कितनी मुर्गियाँ होंगी यहाँ पे? 30 के आसपास, 30-40 के करीब जो है यहाँ पर पीसेस पड़े हुए हैं। मैं जनाब ये चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके एक साइड पे फिलहाल लगा रहे हैं इसको, उसके बाद फिर मसालों के साथ जो है वो इसको प्रॉपर पकाया जाएगा। नहीं जनाब, अब इसके ऊपर जो है वो मारो डाली जा रही है बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस आ गई, आ गया भाई चटनी। ये कौन सा तैयार कर रहे हैं? ये प्लेटर, शवारमा प्लेटर। इसमें 2 ब्रेड होंगे, 2 ब्रेड और चिकन और ये सारी चीजें। इसकी प्राइस क्या है? ये 690 का ये प्लेटर है। ओके जी, तो हमारा जो है वो शवारमा प्लेटर आ चुका है। अच्छा ये कौन से वाला है यार, 680 वाला है? कौन से वाला? ये 680 वाला, लेकिन इसके साथ इन्होंने 4 ब्रेड है, बहरहाल 2 ब्रेड होते हैं इसके साथ, चिकन और ये सारी चीज़ें आपको मिलती है 780 रुपये का ये है। ओए होए यार, ब्रेड इनका ठीक है, उसके अलावा चिकन की बात हो, ठंडा हो गया। अभी जो है वैसे भी अभी मेरे ख्याल इधर से लाते लाते ठंडा हो गया, सर्दियाँ भी नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल टेस्ट भी मुझे इस तरह का कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा, नॉर्मल सा जैसे शवारमा प्लेटर है वही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं। यार मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यार टू बी ऑनेस्ट, अगर बात करें तो जितना आई थिंक ये काफ़ी पुराना सेटअप है और काफ़ी फेमस भी है, और मुझे उसके लिहाज से एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी थी, लेकिन जब ये चिकन बन रहा था तभी कुछ आइडिया हो रहा था कि चिकन में इतना खास नहीं है, सारा मज़ा भाई चिकन के अंदर होना चाहिए जो ग्रिल किया हुआ है, उसके बाद जो इसको पका, ड्राई चिकन है थोड़ा, थोड़ा सा ड्राई टाइप का है। इससे अच्छा चिकन हमने वो जो खाया था ना भट्टा चौक के पास, हाँ उसका प्लेटर बहुत अच्छा था, उसका चिकन के अंदर प्रॉपर आपको फील मिलेगी और आपको खाने में मज़ा आता है। तो 7.5 तक रेट करूंगा, 7.5 आई वुड रेट इट अराउंड 6 out of 10। ओके जी, अब हम लोगों ने मंगवाए हैं इनके लोडेड फ्राइज, अब लोडेड फ्राइज को जरा टेस्ट करके देख लेते हैं लोडेड फ्राइड का क्या सीन है। हाय हाय, लोडेड फ्राइज अच्छे हैं यार, हालांकि गर्म है, लोडेड फ्राइज गर्म है इसलिए बहुत बेहतर लग रहे हैं। चिकन भी गरम मंगवाया, टेंशन गरम मंगवाया, देख लेते हैं। अभी हम ये नहीं चाह रहे कि यार किसी भी रेस्टोरेंट का ऐसे ही हम लोग फजूल सा रिव्यू करके चले जाएं, हम लोगों ने उनसे कहा है कि भाई इसको चिकन को जो है वो गरम लेके आओ ताकि हम लोग प्रॉपर पता चल सके भाई आखिर है क्या, ये बेहतर है।
इसकी दूसरी सॉस है ना बारबेक्यू सॉस, वो अच्छी है मेरे ख्याल से। बारबेक्यू सॉस बेहतर है। तो हमारा जो चिकन है वो गर्म होके आ चुका है, अब चिकन को जरा देखते हैं भाई, अब कुछ शायद बेहतरी की तरफ हम लोग चले जाएं। लग रहा है बेहतर हो जाएगा। ये उस तरह से स्पाइसेस भी नहीं आ रहे ना चिकन के अंदर, वैसे तुमने बोटी कह दी स्पाइसेस, उसमें इसके बगैर खाओ फिर सॉस के बगैर। तो हां हां सॉस ज्यादा लग रही है प्लेटर यार, मुझे तो भी ऑनेस्ट बस एवरेज सा लग रहा है। रिशी वो शायद बेहतर लगे गरम चिकन के साथ यार, इसको मैं स्लाइटली बेहतर इंप्रूव हुआ है, लेकिन वो 8 तक रेट कर सकते हैं। हां चलो 4.5 तूने बढ़ा दिया, चलो 1 पॉइंट मैं बढ़ा देता हूं, 7 तक ले आते हैं। लेकिन लोडेड फ्राइज मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लोडेड फ्राइज की अगर बात करें ना, रियली गुड लोडेड फ्राइज का अपना मज़ा है। इनकी जो सॉस है ना वो प्रोमिनेंट हो रही है, और जो फ्राइज भी है ना इनके बहुत ही क्रिस्पी बीच में फील आती है, बहुत अच्छे हो। अच्छा यार, ये प्लेटर खाने के बाद अब हमारा इरादा तो ये था कि 2-3 जगह हम लोग यहाँ पे और कवर कर लें, लेकिन अचानक ही कोई एक काम जाना पड़ गया। हम लोग देखेंगे कल अगर कोई एक दो जगह जाना पड़े तो शूट करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ नई डिस्कवर करेंगे चीज़ें और फिर आप लोगों के सामने रखेंगे। ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये वीडियो अभी चल रही है। ओके जनाब, तो वी आर बैक, और इस वक्त हम लोग हैं वसनपुरा में। कल का हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया था, हम लोग चले गए वापस, और आज फिर से हम लोग आए हैं अभी वसनपुरा के एरिया में, और यहाँ पर आपको ज़बरदस्त किस्म का कुछ फूड एक्सप्लोर करके देंगे। जीटी रोड का एरिया जो था हम लोगों ने बेसिकली कल कवर करना था, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ काम पड़ गया, हम लोग निकल गए। अब वसनपुरा में हैं और आप लोगों को यहाँ पर चेक करवाते हैं ज़बरदस्त किस्म के पाट के दाल चावल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हम लोग यहाँ पर इनकी थर्ड ब्रांच पे हैं, आए ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर दाल चावल के क्या शशके चल रहे हैं। ओए होए होए होए, माशाल्लाह काली मिर्च वाली दाल लग रही है ज़बरदस्त भाई, चिकन दाल है ये बेसिकली, वाह क्या बात है। मैं देखिए इसमें पालक शालक लग रहा है, और है कि पालक गोश्त चिकन पालक, वाह मेरा की हिसाब है भी चावला दे उत्ते पाक देंदे हो, चावला दे मेरे जान चावला दे चलना हो जाएगा, चावला दे दाल नान शाम कोई नहीं रखे, नान हर चीज ना तो दूर है, नान के साथ भी मिल जाता है और चावलों के साथ, चावल के साथ भी, नान के साथ भी, रोटी के साथ भी, जबरदस्त है। कोई कोई मतंजन उसको बोलते हैं, वाह भी है। खिला खिला जबरदस्त किस्म का चावल है। कितने की प्लेट है दाल चावल की? 250 की, 250 की, 250 की दाल चावल की प्लेट है, साथ शामी भी है, शामी का रहता है लेकिन वो ज्यादा होती है, वो 50 की अलग से शामी। और क्या वो पालक, पालक के साथ, पालक के साथ भी है, उसके अलावा कोरमे के साथ भी है। उसकी क्या प्राइस है? पालक के साथ 350 की फुल है, कोरमे के साथ 450, उसमें चिकन भी साथ होता है, 20 लाजमी होता है, 20 लाजमी होता है। ठीक हो गया जबरदस्त। नहीं जनाब प्लेट लगने लगी है, एक दाल चावल, दाल चावल की लग रही है, दाल चावल, दाल चावल, ओए होए दाल चावल भी आ गई, क्या बात है। ये बंदे के वैसे मुँह में पानी आता है, वैसे ही मुँह में पानी आ जाता है, बाकी दाल चावल चीज ही ऐसी। नहीं जनाब टिक्कियाँ भरपूर मिकदार में अब लगने लगी हैं यहाँ पर, जो है वो अंडे इसके अंदर, कितने अंडे पाओगे? बस 4 ही बड़े लगे, कितने टिक्कियाँ ला लगा जेड़े में ला लगे, सारी हैं सारी ला देंगे, लाओ जी आओ जी टिक, ओए 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 भाई तू ऑयल ना सुट दी बस मेरे उत्ते, इत्थे आराम ना, तो ओए भरावा जा मैं लाना है। ओए जनाब हम भी जरा एक टिक्की का पहले इनो ऐवे एंड करके व्हाट्सएप नंबर को एंड करके, ते एंड करके आराम ना रखी दी है, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੋਤਲ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਐਕਸਪਰਟ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ये मेरी टिक्की में और बाकी टिक्कियों में फ़र्क देखे जरा, यह छोटी जी रह गई है बड़िया हो गई, मेरे ना लड़ना भी बहुत अलग है। कैसा महसूस हो रहा है बीमार होने के बाद, जिंदा बच जाने के बाद? बड़ा अच्छा महसूस यार, चेक करो बंदा फूड ब्लॉगर है, हफ्ता बीमार हो जाए ना, एह शक्ल निकल आती है 2 हफ्ते
चलो एक हफ्ता तो वैसे ही तो घर में रहा है ना बहाना करके, असली तो एक हफ्ते ही बीमार रहा। दो हफ्ते बेड रेस्ट करने के बाद ये मैं कहता हूँ कितने 6 किलो वजन कम किया, ठीक हो गया भैया। कम करने का सुनहरी तरीका, बीमार हो जाओ हफ्ते लिए। बिल्कुल ब्रांड न्यू पतीला आ गया चावलों का, वाह जी वाह वाह जी वाह, क्या जबरदस्त किस्म के चावल है। लाओ जी लाओ जी लाओ जी, मेरे जनाब ने फ्रेश चावल आ गए गर्मा गर्म देख आ गए। ओए 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 क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखो चावलों की लेंथ देखे आओ, ये कायनात चावल है, सबसे अच्छा चावल हम इस्तेमाल करते हैं। दाल चावल बेचने वाले इतने अच्छे चावल इस्तेमाल नहीं करते। ये कायनात चावल है, लोग सहला चावल पकाते हैं और बड़ दाल चावल के शुरू से खसूसियत यही है कि ये चावल जो है ना ये कायनात इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह के हुक्म से आप जब भी आएंगे इसी तरह आपको फ्रेश कुकिंग मिलेगी लाइव, ये साथ साथ ही घंटे घंटे बाद इसी तरह पतीला आता जाता है और इसी तरह हम तकसीम करते रहते हैं। बड़ दाल चावल की तीसरी ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच है वो सर। इससे पहले दो किधर है? इससे पहले एक स्कीम नंबर 2 में है, शादबाग में ही है वो भी हमारी, और एक हमारी लुलारिया चौक में है, लाहौर में लुलारिया चौक। कितने साल हो गए बड़ दाल चावल? ये हमारा 1982 से काम है। 82 से? हाँ जी माशाल्लाह। ये दादा पूरे शुरू किया, फिर वाला साहब, फिर मैं, अब इसके बाद मेरा बेटा जो है वो भी साथ बैठा। 45 साल हो गए तकरीबन, 45 साल हो गए। पहली ये स्कीम नंबर 2 में शादबाग, हाँ जी। उसके बाद हम बसनपुरा में इंट्रोड्यूस करवाई। अब इस ब्रांच को लोग ज़्यादातर मेन ब्रांच समझते हैं, यहाँ से अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी। ये जो दाल है ना हमारी, ये इसमें चिकन होता है और मेन स्पेशलिटी हमारी ये है कि ये काली मिर्च में तैयार होती है, इसमें लाल मिर्चें इधर उधर के मसाले नहीं होते। ये सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे तो काली मिर्च इसमें आपको नज़र आएगी, ये और चिकन होता है और दाल होती है सिर्फ, और बकाया इसमें मुफ्ते डली होती हैं, वालदैन की दुआएँ हैं। हाँ जी, ये लोहड़ियों के लिए ख़ास मुफ्ते हैं और मेरा चैलेंज है पूरे लाहौर में अल्लाह के फजल से इस मियार के दाल चावल और इतने सस्ता पैकेज कोई नहीं दे रहा। 150 की इसकी हाफ प्लेट है जो कि 1% के लिए काफ़ी होती है, ठीक है, और ये 1% की डील है। इसमें सलाद भी फ्री है और आपको बेहतरीन चावल मिल जाते हैं, और लोग जो घरों में पैक करवा के लेके जाते हैं वो चावल भी खा लेते हैं एक बंदा, और उसमें से जो दाल बाई थी 2 रोटियां भी साथ खा लेते हैं, यानी कि 150 में 2 लोग रोटी खा लेते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये इतनी महंगाई के दौर में बड़ दाल चावल की, हाँ जी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा और क्या है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास होती है ये चिकन पालक, ये दूध और क्रीम में तैयार होती है। यार मतलब ढक्कन ही खुला ना तो खुशबू ही बता रही है, जबरदस्त चीज है ये, घी और दूध में तैयार होती है। ये पालक देखें, देखने में तो पालक है लेकिन इसमें जो लागत है ना ये दूध और घी इसमें मेन लागत है, ठीक है, और ये जितनी पालक होती है उतने किलो इसमें दूध ऐड होता है, और उससे आधा जितना एक मन पालक है ना तो समझे 15 किलो कम अज़ कम इसमें एक देग में घी इस्तेमाल, और ये घी में भुनी जाती है और इसमें फिर चिकन डालता है और चिकन पालक, उसके बाद हम इसमें क्रीम डालते हैं। ओए होए जनाब, ये ज़बरदस्त किस्म की पालक गोश्त की प्लेट, हमारे गोश्त मतलब चिकन हमारे सामने है, उसके बाद ये दाल चावल, ओए होए ज़बरदस्त किस्म की। ये ज़रा हलीम वही ना देखो, टेक्सचर चेक करो ज़रा इसका, हलीम टाइप का टेक्सचर है, काली मिर्च में बनी हुई है। उसके अलावा ये ज़बरदस्त किस्म के जो है वो चावल बहुत अच्छा। ओके जनाब, तो ज़बरदस्त किस्म के दाल चावल हम लोग फ्राई करते हैं। ये सबसे पहले तो दाल इसके ऊपर थोड़ी सी डालते हैं हम लोग, और उसके बाद जनाब राइस, यार बहुत ही डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, खासतौर पे दाल का। दाल जो आ रही है ना वो काली मिर्च का फ्लेवर भी इसमें प्रोमिनेंट हो रहा है, और टिपिकल दाल चावल वाली दाल नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है और मज़े की लग रही है। बस एक कोई चमची चढ़ी इन्हें खानी चाहिए, जनाब। तो पालक ट्राई करते हैं लोगों का, और पालक में जनाब ज़बरदस्त किस्म की भरी हुई प्लेट आ गई, और इसमें 3-3 लेग पीस है, और भट्ट साहब की मोहब्बत है, भट्ट साहब ने ये हमें जो है वो टेस्ट करने के लिए दी है। लेग पीस आ गया जनाब सबसे पहले, और इसमें थोड़ा सा हम लोग पालक जो है वो ऐड कर लेते हैं। ओए यार चंगी है, करना जबरदस्त।
आती है थोड़ी सी खटास, ये खटास से पाक है। और इसमें जो है ना इन्होंने इलायची शैची डाल के प्रॉपर खुशबूदार पालक बनी हुई है, दूध डाला दूध। जितना इसके अंदर पालक इन्होंने यूज़ किया है वो बता रहे थे भट्ट साहब, उतना ही इसके अंदर दूध यूज़ करते हैं। अगर 10 किलो पालक बन रही है तो इसके अंदर 10 किलो ही दूध ऐड होगा, विच इज़ रियली गुड। और इसी वजह से इसका जो टेस्ट है ना पालक का, बहुत ही मुलायम और बहुत ही बैलेंस्ड किस्म का आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा कोई पालक का फ्लेवर हिट नहीं करेगा इसके अंदर यार, बहुत उमदा। अच्छा मैं इसका ना गूगल के ऊपर रिव्यू पढ़ रहा था, किसी ने पालक के बारे में रिव्यू किया था कि इनकी पालक बहुत ही प्लेन सी है, जैसे किसी ने उबाल के रख दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। मैंने ये पालक ट्राई की है, उतार बहुत ही अच्छी तरीके से पकी हुई है और इतना ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर है इस पालक का ना, आप खाते ही डिलाइटली फील करोगे, बहुत उमदा। आप रेट करें, मैं अगर इसको भाई रेट करूँगा तो मैं डेफिनेट पालक और चावल को मैं रेट करूँगा तो 9 के आसपास करूँगा, 9 और 9.5। और दाल चावल क्या रेट करेंगे? कायनात के चावल और ये काली मिर्च वाली दाल, इसको मैं रेट करूँगा तकरीबन 8.5। दाल को कम रेट कर रहा हूँ यार, दाल तो अच्छी दाल है, नहीं जनाब। अब लास्ट में मतंजन टेस्ट किए बगैर हम लोग कैसे रह सकते हैं, तो मतंजन आ गया इसके अंदर जनाब। प्रॉपर इन्होंने जनाब उबले हुए अंडे, ये देखो बादाम आ गया बीच में, उसके बाद ये मुरब्बा और बड़ा बादाम हो गया ना प्रॉपर मॉल के अंदर। मज़ा तो आता है, लेकिन इधर नमकीन चावल है नहीं ना। दाल पा के दे उस इशू भाई। मैं भी यही कहूँगा कि भाई नॉट दैट मच गुड बट गुड। अच्छा जी भट्ट साहब, मैं दसो कि क्वालिटी का किवें मतलब तुम ख्याल रखते हो कि क्वालिटी कहो जी, ये म्यारी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो? ये मैं ना अपनी आवाम को इस तरह एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ज़्यादा लंबी जोड़ी बात नहीं है। ये देखिए मैं अपनी दुकान की प्रोडक्ट खुद ही डाल रहा हूँ अपने लिए, ठीक है, और इसको मैं डाल के और खुद ही टेस्ट करके आपको बताता हूँ। अक्सर जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान से खाना घर से मंगवाते हैं। अच्छा। और हम अपनी दुकान का खाना खुद भी खाते हैं, हमारे जो मेहमान नजर आते हैं उनको भी हम यही खाना खिलाते हैं। ये इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता कि अपना दुकान का खाना बंदा खुद खा रहा हो। क्या बात है। अच्छा ये इस चीज़ की गारंटी है कि आपने म्यारी सारी चीज़ें यूज़ की? बहुत ज़बरदस्त हो गया। नहीं जनाब, बहुत ही अरसे बाद कोई ज़बरदस्त किस्म के दाल चावल खाए हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि हम लोगों ने पैक भी करवा ली हैं और हम लोग अब साथ भी लेके जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको खुद पर्सनली तौर पर अच्छी लगती है आप यही सोचते हो कि यार घर वालों को भी खिलाई जाए, तो ये दाल चावल इंशाल्लाह घर भी लेके जा रहे हैं। बहरहाल यार अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग आए बेसिकली वसनपुरा में हुए हैं और वसनपुरा में आपको पता है कि हमारे फेवरेट जनाब अकरम टिक्का के बीफ कबाब भी हैं, तो वो खाए बिना कैसे रह सकते हैं हम लोग। जाते हुए हम लोग अकरम टिक्का के बीफ कबाब भी इंशाल्लाह कोशिश तो यही है ट्राई करके जाएंगे। बहरहाल अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।